नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने हैं और उसको लेकर आज कांग्रेस अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर सकती है। उम्मीदवार सूची जारी होने से पहले बड़ी कांग्रेस नेताओं की धड़कने टिकट कटने का उन्हें डर सता रहा है। रविवार को कांग्रेस पहली सूची जारी करेगी जिसमें लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। ऐसे में सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि पार्टी ने किसे टिकट दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब चुनावी हलचल और तेज होने वाली है। रविवार यानी कि आज के दिन कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं की धड़कने तेज हो गई है। पहली सूची में विधायक के सहित 150 नाम हो सकते हैं। आपको बता दें जिन पर ज्यादा विवाद नहीं है, जिन सीटों पर ज्यादा दावेदार हैं, उनकी घोषणाएं बाद में होंगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए भाजपा कांग्रेस दोनों में ही सूची जारी करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन हालातों के बीच अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 136 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जबकि 94 प्रत्याशियों की सूची का अभी भी इंतजार है। ये सूची 2-3 दिन में आने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस तो अभी तक एक भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतार पाई है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक रविवार यानी कि आज पहली जारी होगी। उन्होंने संभावना जताते हुए यह बताया है कि इस सूची में 150 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। कांग्रेस में पहले सूची को लेकर काफी मंथन हुआ है। इस बार जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा। पितृपक्ष की वजह से कांग्रेस ने अपनी सूची को लंबित कर दिया। नवरात्रि के पहले दिन ही कांग्रेस अपनी सूची जारी करते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दी। दूसरी तरफ बीजेपी ने तो श्राद्ध पक्ष में भी सूची जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की शुरुआत श्राद्ध पक्ष के पहले से ही हो गई थी। कांग्रेस अपनी पहली सूची में सबसे ज्यादा वर्तमान विधायकों को टिकट देने जा रही है। इस सूची में यदि किसी विधायक का नाम नहीं होता है तो यह भी संभावना है कि उनका टिकट कट सकता है। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी कुछ कमजोर विधायकों का टिकट काटकर बड़ा संदेश देना चाहती है। हालांकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश के इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।